अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। मैं आपका अपना ZBM में पास गोल पे वाला तो जी ख़वातीन हज़ार जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तो भाइयों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे वापडा के बिलों की। तो यार ये जो बिल आया ना मेरे पास, ये देखें, पहले तो मेरे बेटे ना कुकू ने गुस्से में आके फाड़ दिया ऐसे, कर आप जेबी इन्ना बिल आ गया। मैं कुकू यार इन्ना बिल आ गया। तो भाइयों इस मुल्क में यकीन करो 200 ते उत्तो यूनिट लेके जाना ना, ये देखो 217 यूनिट, मौत नू हाथ लाना है, अल्लाह दी कसमें खुदकुशी करने ने बराबर है अगर गलती ना थोड़ा 200 यूनिट आ गए ने। हूँ मैं तुम दिखाना बिलों में चलना की रखा है। आ जाओ सब तो पहले भाइयों, ये देखो एल क्या हुआ है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है जी आ गई है। मीटर रेंट 7 रुपये 60 पैसे। हूँ यह दसो कि पता नहीं मीटर से बह के असं विहाड़ी कामों की बुरे जाने होने रेंट से। यह देखो रेंट रेंट किस चीज़ असं दिते पैसे, मीटर साडा मलकियत साड़ी, फिर भी रेंट लेंदे साढ़े को असी अल्लाह बंदे ना तो बह के कोई कामों की विहाड़ी जाना है जो तुम रेंट लेंदे हो। अगे आ जाओ, अच्छा हाँ हाँ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, अच्छा भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी लिखी हुई साढ़े खाते भाई, FC सरचार्ज। अच्छा ए पता की है, गलती ना उन्होंने लिखता है FC, इतना असं KFC जो आप खाने ना KFC खाने उन्होंने चार्ज चलना पाया हुआ है, बस के लिखना भुल गए ला बंद हो। अगे आ जाओ अगे आ जाओ अगे आ जाओ तुम, अच्छा टोटल बिल आ गया। हूँ हमने देखो थोड़ा आया खाव मैं इन्हें किड़े किड़े टैक्स पाए ने, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ठीक है, TV फीस, मेरे को खुदा दी कसमें मेरे घर TV है ही को नहीं, मेरे को कसम ले लो अल्लाह पाक दी कसमें मेरे घर TV है ही को नहीं, बस फिर भी TV दी फीस उन्होंने भैया 35 रुपये पा दी है। अच्छा अगे आ जाओ जी, जनरल सेल टैक्स GST, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, मजीद टैक्स, वाह भाई वाह मजीद टैक्स। अच्छा जी चाचा एक ही चीज़ है, चाचा दस ना मैं लोगों ने एक मिनट। अच्छा अगे आ जाओ जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स, वाह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर फादर टैक्स, वाह पाकिस्तान वालों शाबाश, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर मजीद टैक्स, वाह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर इनकम टैक्स, अच्छा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर एक्साइज ड्यूटी टैक्स। असं टट्टी कर भी जाइए ना उनका भी टैक्स ला दो, असं पिशाब पिंड जाइए उनका भी टैक्स क्यों नहीं पाया? अल्लाह बंदे खौफे खुदा कर लो, मेरे ना चाचा खड़ा है वही थोड़ा चाचा की कमेंट्स करेंगे इन बारे इन्ना बिल। अच्छा हूँ यकीन करो 200 तो उत्ते यूनिट आ ही गए ने, खुदा की कसमें वेखो ना 217 यूनिट, इतने चले ने 176 यूनिट, बिल आया 2786 रुपये। वो गलती नाल 200 तो उत्ते मौत में हाथ लाने वाली है, तो अल्लाह जिन्होंने बिल पाया ना अल्लाह की कसमें मैं कहना या अल्लाह जो भी अपनी बीवी नूं कमान लेके जावां ना किसी गड्डी विच या मोटरसाइकिल ते, मोटरसाइकिल ही पेंचर हो जाए जिन्होंने बिल पाया, एन नहान लगन एन अखा पै जाए साबन, तो लैट चली जाए पानी हो जाए खत्म, तो सब खा मल दे फिर मैं जिन्होंने मैंने बिल पाया अल्लाह की कसम की कमाया इन्हों ने, मैं हम की कमां थोड़ा एवं बदवावान थोड़े वास्ते, कोई खौफ कोई लिहाज कर लो गरीबान का यार, कोई बंदा मोबाइल वेचदा पाया, कोई माँ अपनी जेवर वेचती पई है बिल भरने वास्ते, कोई खौफे खुदा कर लो कि 200 यूनिट तक रियायत कर दो, कोई 300 तक फ्री कर दो, अल्लाह बंदे को कुछ नहीं होंगे। मैं आवाम दस रहा अपने हालात अपना दर्द में अपनी मुहब्बत वाले लोगों दस रहा, अल्लाह तो सुनेगा ना भाइयो ए बिल है जी, तो इनका तुम वेख लो मेरा माल नवा रोलना पिया यकीन करो, तो भाइयो ईंधन की कीमत 703 रुपए थोड़े भाई से बिद नसीबा च आ गई है, तो अल्लाह करे वलीमा खान जावन ना वलीमा खान जावन तो दुले फुफी मार दे भुखे वापस आवन जिन्होंने बिल मैं पाया यार। ख्याल करो गरीब हाँ गोल पे वेचना, मैं कोई लैंड लार्ड नहीं है इन्ना अमीर नहीं है कि बिल भरना, कोई मेहनत रियायत कर दिया करो बाकियों भी कर दिया करो, ला लियो थोनों अल्लाह अजर देवे इस काम का, तो इन्हें ना ही मैं जा दो, बाय बाय टाटा अल्लाह।